पोकेमोन के अंदर कूट कूट के हैप्पीनेस भरे भरे, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आए जहाँ पे पोकेमोन ने हमें सोलोनेस, सैडनेस एंड कुछ डेथ मूवमेंट्स दिए। तो हाँ, आज हम लोग टॉप 50 डेथ्स देखने वाले पोकेमोन एनिमे, पोकेमोन मांगा एंड पोकेमोन ओरिजिन्स को मिला। बट ये कोई रैंकिंग नहीं होगी, ये सिर्फ एक रैंडम लिस्ट है जहाँ पे मैं रैंडमली पोकेमोन को बोलती रहूँगा। ना कोई बकवास के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर नए हो मेरे चैनल पे देन बी श्योर टू सब्सक्राइब इट मैन, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक पक्का करना। वीडियो पाइप को हम लोग को खाना है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 50, सर एरॉन। इन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया था एक बैटल के दौरान, जहाँ पे इनका इंटेंशन था उस बैटल को रोकना, लेकिन इन द एंड ये कामयाब तो हो गए उस बैटल को रोकने में, लेकिन उस वजह से इनको अपना लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ गया। नंबर 49, एला। ये कैरेक्टर अपेयर हुई थी द लेजेंड ऑफ XYZ में। ये विलेज एल्डर की बेटी थी और जैन नाम के कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट। वेल इन शॉर्ट, अगर मैं बताऊँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे युवल्टार ने जैन पे अटैक किया था, बट जैन को बचाने के लिए एला उस युवल्टार के अटैक के सामने खुद खड़ी हो गई एंड वो अटैक खुद पे ले लिया, जिस कारण से वो हमेशा के लिए स्टोन बन गई। नंबर 48, एलेक्स ग्रैंडफादर। इनकी डेथ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनकी डेथ बुढ़ापे के कारण ही हुई थी। नंबर 47, एम्बर। डॉक्टर फूजी, जो अपने बेटी एम्बर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मियो एंड अपने बेटी एम्बर के जेनेटिक्स लेके म्यूटू बना रहे थे, इसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट दिखा एम्बर के ऊपर एंड वो मर चुकी थी। नंबर 46, कैप्टन। जो ऑरेंज लीग के चैम्पियन रह चुके हैं, लेकिन एक दिन उनकी शिप डूब गई और उनकी भी डेथ हो गई। नंबर 45, चैपमैन। इनकी डेथ भी ज़्यादा एज होने के कारण ही हुई थी। नंबर 44, कॉनली। इनको एलेक्सा ने इंट्रोड्यूस किया था एश और उनके दोस्तों को, कि कई साल पहले कैसे इन्होंने अपने जान को दाव पे लगा के अपने आइलैंड और वहाँ के पोकेमोन को बचाया था। नंबर 43, डैमोस। आरसीएस के अटैक के कारण डैमोस की डेथ हुई थी, लेकिन इस टाइमलाइन में बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आए जब एश और उसके फ्रेंड्स पास्ट में गए थे। नंबर 42, घोस्ट ऑफ मीडियम स्पीक। ये वेट करी थी अपने एक दोस्त की जो वॉर में गया था, बट वो कभी भी वापस नहीं आया, और इवेंचुअली उसका वेट करते करते इसकी भी डेथ हो गई। नंबर 41, ग्रीस। इनकी डेथ एग्जैक्टली कब हुई ये हमें नहीं बताया गया, लेकिन हूपर एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी की टाइमलाइन के अंदर ही इनकी डेथ हुई थी। नंबर 40, गुडी। डार्क राय के नाइटमेयर के कारण इनकी डेथ हुई। नंबर 39, ग्राउडॉन। ये एक फेक ग्राउडॉन था जो टीम मैग्मा ग्राउडॉन के फॉसिल से उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त ही कंफर्मेशन मिल गया कि वो ग्राउडॉन मर चुका है, क्योंकि तभी तो टीम मैग्मा के पास उसका फॉसिल था। नंबर 38, ब्लैकथॉर्न सिटी के ओरिजिनल जिम लीडर। इनकी डेथ के बाद ही क्लेयर ब्लैकथॉर्न सिटी की जिम लीडर बनी। नंबर 37, जैन। हाँ, वही जैन जिसको मैंने पहले एला के पॉइंट पर डिस्कस किया था। इवेंचुअली एला के स्टैचू के पास रहते रहते इसकी भी मौत हो जाती है, एंड इसकी डेथ की पर्टिकुलर रीज़न हम लोगों को अभी तक नहीं बताई गई है। नंबर 36, कवाईस ग्रैंडफादर। इनकी डेथ की कंफर्मेशन लोगों को कवाई ने खुद दिया था एनमे के अंदर। नंबर 35, किंग ऑफ पोकेलैंटिस। हो ने इसके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ पूरी दुनिया को जीतना चाहता था एंड इसका इंटेंशन बहुत ही गलत था। नंबर 34, किंग ऑफ पीपल ऑफ वेल। इनके दो बेटे थे, द हीरो ऑफ ट्रूथ एंड द हीरो ऑफ आइडियल, जो रेशिरा एंड जेक्रोम को कंट्रोल करते थे, लेकिन ये दोनों चारों ओर डिस्ट्रक्शन फैलाने लगे एंड द किंग ऑफ पीपल ऑफ वेल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्नी के हेल्प से इनकी ये डिस्ट्रक्शन को तो रोका, लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद द किंग ऑफ पीपल ऑफ वेल की मौत हो गई। नंबर 33, लेसी। इनको सिर्फ XY के एक फ्लैशबैक एपिसोड के दौरान मेंशन किया गया था। नंबर 32, लैटियोस। इसको अपना लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ गया एल्टो मेयर को बचाने के लिए एंड पूरी दुनिया को बचाने के लिए। नंबर 31, लॉन। एक एपिसोड के दौरान एश और उसके दोस्त एक मैंशन के अंदर गए थे, वहाँ पे क्लेमेंट को एक डायरी मिला जहाँ पे लॉन की पिक्चर थी और डेट 200 साल पहले की लिखी हुई थी। उस डायरी को देखने के बाद वहाँ पे एक कैरेक्टर अपेयर हुआ, तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लॉन है एंड वो मर चुका है। जी हाँ, वो मर चुका है और वो 200 साल पहले ही एग्जिस्ट करता था। एश और उसके दोस्त जब सुबह उठे तब वो लोग उस मैंशन के बाहर खड़े थे एंड वो लोग ये सोच रहे थे, क्या ये सच था, ये सपना।
नंबर 30 लुकारियो, जिसने खुद को सर एरॉन के साथ आफ्टर लाइफ में कनेक्ट कर लिया एंड इस दुनिया से चला गया। नंबर 29 लुकास ग्रेट ग्रैंडफादर, जो अब नहीं है बट उस वक्त वो ISS रास्पबेरी नाम के एक शिप के कैप्टन थे। नंबर 28 मैलोस मदर, जिनकी मौत किसी बीमारी के कारण हुई थी उस वक्त जब मैलो बहुत ही छोटी थी। नंबर 27 मार्कस, इसकी मौत आर्सियस के अटैक के कारण ही हुई, लेकिन फिर इस टाइमलाइन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। नंबर 26 मार्कस के शोल्डर्स, इनकी भी डेथ आर्सियस के अटैक से ही हुई। नंबर 25 मैटियोस ग्रैंडफादर, इनको मेंशन किया गया था उस एपिसोड में जब हम लोगों को क्रिस्टल ऑनिक्स दिखाया गया था। नंबर 24 निकोला, यही वो साइंटिस्ट था जिसने मगेरना को 500 साल पहले बनाया था, एंड ऑफ कोर्स 500 साल बाद निकोला की डेथ ऑब्वियसली हो ही चुकी होगी। नंबर 23 क्वीन रिन, जो सर एरॉन के टाइमलाइन की क्वीन थी। जब क्वीन को पता चला कि किंगडम डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड सर एरॉन भी अब नहीं रहे, तो वो भी बहुत ही ब्रोक डाउन होके उनकी भी डेथ हो जाती है। नंबर 22 ओलंपिका, जिसकी अपीयरेंस लेजेंड ऑफ XYZ के अंदर जैन की हेल्प करते वक्त हुई थी, एंड इसको मेरी तरह जिमी डे ओलंपिया तो बिल्कुल भी मत समझना। नंबर 21 साफू, जो हापू के ग्रैंडफादर थे, एंड हापू ने इनकी कंफर्मेशन दिया था कि उनके ग्रैंडफादर यानी कि साफू वो अब इस दुनिया में नहीं है। नंबर 20 शाउटलैंड, ये वही शाउटलैंड है रिटर्न नहीं थोड़ा कैटनी एनसीआर को बचपन में रखता था बट बूढ़े होने के कारण इसकी भी डेथ हो गई। नंबर 19 टैप, जो मार्कस का सिक्योरिटी गार्ड था बट ये मार्कस के इवर प्लान में तो शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उस डिस्ट्रक्शन के कारण इसकी भी मौत हो गई। नंबर 18 वेवफॉर्म, जो एक सेल्फिश राजा था, इसको सिर्फ और सिर्फ जर्नियस की पावर्स चाहिए थी, लेकिन जायगार्ड ने वेवफॉर्म को फुली डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 17 घोस्ट गर्ल, मेरा मतलब है एनिमे के अंदर जितने भी घोस्ट गर्ल्स को दिखाया गया है वो सभी मर चुकी है, ऑफकोर्स उनकी डेथ हो चुकी है, उसी वजह से तो हम लोग उसको घोस्ट गर्ल कहते हैं। नंबर 16 लाइसेंड्रे, जो डिफीट होने के बाद एक ग्रीन पोर्टल में चला गया एंड वहीं पर उसकी डेथ हो गई। नंबर 15 एल्डर, जो एक ट्रेवेनाइन था, ये प्रोफेसर कुकुई के चाइल्डहुड में एग्जिस्ट करता था लेकिन इन द प्रेजेंट इसकी डेथ हो चुकी है। नंबर 14 साइरस, यानी कि टीम गैलेक्टिक का बॉस, जो डायरगा एंड पालिका के अटैक से डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 13 लग्जरे, इसकी भी डेथ अपने ट्रेनर सोरेल को बचाते हुए हुई थी। नंबर 12 मिमिकेंस, जो एसे रोला की मिमिक्यू थी। टीम रॉकेट के जैसी ने एक एपिसोड के दौरान इससे पूछा कि तुम्हारी मिमिक्यू हवा में क्यों उड़ रही है, तो एसे रोला ने ऐसा कहा कि मिमिक्यू पहले ही मर चुकी है इसलिए वो अब घोष्ट है एंड वो हवा में उड़ रही है। नंबर 11 मिराज पोकेमोन, जो डिसअपीयर हो गए थे डॉक्टर यंग के डेथ के साथ ही। नंबर 10 पे इसी तरह आते हैं डॉक्टर यंग, जिन्होंने मिराज पोकेमोन को बनाया था बट वो मिराज पोकेमोन के साथ ही डिसअपीयर हो जाते हैं एंड इसी को उनकी डेथ कंसीडर किया जाता है। नंबर 9 मैडम बॉस, यानी कि जिवानी की मदर और टीम रॉकेट की पहली बॉस, जिसके मरने के बाद जिवानी टीम रॉकेट का लीडर बना। नंबर 8 मैलोवैक, हाँ वही मैलोवैक जो मर चुका है एंड वही मैलोवैक जो लैवेंडर टाउन में एग्जिस्ट करता है पोकेमोन ओरिजिन्स के अंदर। नंबर 7 मैक्सी एंड आर्ची, यानी कि टीम मैग्मा एंड टीम एक्वा के लीडर्स, जिनकी बॉडी फेदर ट्रियो के अटैक के कारण डिसअपीयर होने लगी एंड वहीं पे उन लोगों की डेथ भी हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू पोकेमोन एडवेंचर्स। नंबर 6 एलिस ग्रैंडमदर, जिसने हेल्प किया था डार्कराय को जब वो छोटी थी, लेकिन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि उस इंसिडेंट को अप्रॉक्स 150 साल हो चुके थे, तो एलिस की ग्रैंडमदर का डेथ होना तो पक्का ही है। नंबर 5 म्यूज क्लोन पोकेमोन, जो बाद में खुद ब खुद डिसअपीयर हो गए। नंबर 4 एंटे, जो एक इल्यूजन था अननोन का बट इन द एंड इस इल्यूजन को तो कभी न कभी ख़त्म होना ही था और आखिर में ऐसा ही हुआ और ये डिसअपीयर हो गया मोलिया के ड्रीम्स के अंदर। नंबर 3 पीपल ऑफ वाटर, या फिर इसको लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एटलांटिस भी कहा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वाटर लेवल काफ़ी रेज हो गया एंड इसकी पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। नंबर 2 एंड नंबर 1 पे आते हैं पिकचू एंड एश, जो मूवीज़ के अंदर काफ़ी बार मरे हैं बट हाँ ये कोई ना कोई चमत्कार के कारण वापस जिंदा हो जाते हैं और ऑफ कोर्स होंगे ये हर्ट एंड शोल है पूरे पोकेमोन एनिमे के, और अगर ये ना रहे तो हम लोग की पूरी एनिमे बिल्कुल बेकार हो जाएगी।
सोया गाइस, ये थी हम लोगों की लिस्ट। बाय द वे, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं थी, ये बस रैंडम लिस्ट मैंने बोली है। और आपको सैडेस्ट डेथ कौन सी लगी इस पूरी लिस्ट के अंदर, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, नहीं हो मेरे चैनल पर देन बी श्योर टू सब्सक्राइब इट मैन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज इट, पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।